ये टिड्डियों के विषय में, टिड्डी दल जो है खानुवाड़ी से लेके रावड़ा गढ़सान से लेके राज्य तक पूरा बर्बाद तो नहीं किया, पर काफ़ी खेतों में कहीं 5 बीघे कहीं 2 बीघे नुकसान हो गया। टिड्डी दफ्तर वाले जो है कोई अग्रिम कार्रवाई कर नहीं रहे, अखबारों में सुन रहे हैं बड़े हेलीकॉप्टर ले यार ये किया और वो किया, जबकि इनके पास कोई दवाई की मात्रा भी नहीं है। इसी हिसाब से एग्रीकल्चर वाले हैं तो वो समय पर दाग नहीं करते, इसी हिसाब से रेवेन्यू वाले हैं तो समय पर खराबे की रिपोर्ट भी नहीं दी। तो ये हम ADM साहब के बात पते सरकार से ये निवेदन करना चाहते थे कि इसकी दोबारा सर्वे करवा के जल्दी से जल्दी किसानों को 2-10-5 हज़ार वो भी रियायत दे सकते हो, वो रियायत दी जाए आगे वास्ते भविष्य में डिपार्टमेंट को पाबंद करो जिससे कि वो एडवांस दवाई रखे, जीप वगैरह सब जब रखे, जो कमजोरी होगी वो गाँव के ट्रैक्टर वगैरह लगाएंगे, जो आगे आने वाले चौमासे में बारिश के ऋतु में ज़्यादा टिड्डी आ सकती है ऐसे संभावना है। इससे भयभीत हो गया हूँ, ये करे एडवांस भी कुछ तैयारी कर रहे था तो ज़्यादा नुकसान ना हो। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सावराम पुनिया है, एक्स प्रधान हूँ।